मुर्दाबाद 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 वापस लो 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 सिटीजन अमेंडमेंट बिल वापस लो वापस लो वापस लो सिटीजन अमेंडमेंट बिल वापस लो वापस लो वापस लो सिटीजन अमेंडमेंट बिल वापस लो वापस लो वापस लो सिटीजन अमेंडमेंट बिल वापस लो वापस बंद करो देश को बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो देश को भागने बंद करो 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 वापस लो 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 यार मुझको पिछाओ छोड़ो यार वापस लो मुर्दाबाद 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 अमर है पे हमला किए जाने का प्रयास किया जाता है उस वक्त कांग्रेस सड़कों पे यहाँ पे आती है और मैं समझता हूँ कि आज महात्मा गांधी जी भी वो उनकी आंखों में आंसू होंगे कि जिस 150 साल की अब उनकी शताब्दी तो यहाँ पे मना रहे हैं लेकिन उस रूप जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस ढंग से यहाँ पे बनाया गया किस ढंग से उसको उसकी धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई जा रही है उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम लीडरशिप यहाँ पे इकट्ठा यहाँ पे हुई है। बला साहब ओपोजिशन सवाल उठा रही है कि ये जो बिल है ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है किस तरह से कर रहा है क्योंकि इसको इसमें इंडिया को जो है वो कोई नुकसान नहीं है जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के उनको कोई नुकसान नहीं है इसमें तो वो क्यों कर रहा है वॉयलेट। मैं समझता हूँ कि उनका कहना किस ढंग से क्या है लेकिन हमारा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल था जो इसका निचोड़ यहाँ पे थी जो इसकी आत्मा थी कि इक्वलिटी हो सेक्युलरिज्म की बुनियाद पे यहाँ पे हो तो जिसके बुनियाद पे हिंदुस्तान आज खड़ा है आज हिंदुस्तान हवाओं में बातें करता है तो उसकी बुनियाद इसी पे इसी चीज़ पे यहाँ पे निर्भर थी। आज उसकी जिस ढंग से धज्जियाँ उड़ाई गई हैं उस कार्य प्रणाली को लेकर हम यहाँ पे विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए।